ब्रांडेड कपड़े बहुत पहने, अब घर के बने कपड़े पहने जाएंगे। सरोजनी से चुनरिया चुरा लाए हैं, मैंने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है। इधर अलग अलग प्रकार की स्किने हैं, यहाँ पे रंग भर रखे हैं और एक गने वाने मैंने लगा रखे हैं, कहीं किसी को पिचकारी मारनी पड़ जाए तो कम से कम चीजों का उपयोग होगा। मैं जब कर रहा हूँ ना उस टाइम पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट ये जो स्किन्स होती है ना, जैसे ये बड़ा वाला पूरा है ये 200 रुपए के अराउंड का आता है और इसमें 10 फोन का आराम से हो जाता है। और ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में पहले से पड़ी होंगी। बस एक कटर है, अगर आपके घर पे एक नॉर्मल कटर भी है तो उससे भी काम चल जाएगा, या फिर 2 रुपए वाले ब्लेड आते हैं शेविंग वाले, उससे भी अगर आप थोड़ा सावधानी बरतें तो उससे भी काम चल जाएगा। इस वाले से बस ऑपरेशन करने में थोड़ी आसानी रहती है। एक करके स्टार्ट करते हैं, फोन को रेडी कर लेते हैं। मैं जो दो फोन सबसे ज्यादा भी यूज कर रहा हूं, एक ये आईफोन है और अपने जो गैलेक्सी जेड फ्लिप है, इन दोनों पे लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, काफी हद तक आसान ही रहता है और फोन पे भी ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आते क्योंकि पहले भी एक बार कर चुका हूँ। बट अगर आपको तब भी डर लग रहा है तो आप कवर के ऊपर पहले ट्राई कर सकते, फिर डायरेक्ट 10 रुपए का कवर आता है उस पर ट्राई करने में क्या ही डर लगे। सबसे पहले आईफोन का नक्शा बदल दिया जाए, मैंने सारे वैसे ऑनलाइन ही मंगाए थे, अब इसको करेंगे कैसे ये नहीं सोचा। साथ साथ करते हैं चीजें, साथ साथ सीखेंगे, पता चलेगा क्या हो रहा है। तो इसको काट लेते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। पहले एकदम सेफेस्ट तरीका ट्राई किया जाए, इसको ना ट्रेस कर लेते हैं और फिर उसी ट्रेस से हम एक ना नक्शा काटने की कोशिश करते हैं, फिर उससे मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए काम। कभी कभार थोड़ी चीजें बिगड़ जाती है बट कोई दिक्कत नहीं है, कलर की कोई कमी नहीं है दोस्तों। ऑरेंज पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैंने ऐसे बचपन में करा था, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की हमारी क्लास होती थी उसमें काफी मजा आता था। मैंने इतना सोचा ही नहीं कि भाई पेपर हिल भी सकता है। फिर से ट्रेस कर, इस बार डबल साइड टेप का इंतजाम कर लिया मैंने, उसको फोन पे चिपका देंगे और इसके ऊपर पेपर को चिपका, अब हिलेगा नहीं पेपर। अच्छा आइडिया की नहीं, एजेस ही करना है बेसिक। ड्राइंग कैसी लग रही है फ्रेंड्स, तो इसको ट्रेस कर लिया जाएगा, इसको इसके ऊपर रख लेते हैं। अरे यार मेरे से हिल गया, नहीं चलो इतना तो काट लिया मैंने। ये मेरे को ऐसी फीलिंग सी आ रही है, एकदम परफेक्ट नहीं हो पाएगा बट ट्राई जरूर करेंगे। निकाल तो मैंने लिया है, मजाक की बात नहीं, चढ़ गया और भाई पकड़ने में मस्त लग रहा है, बट जो एजेस है ना वो इतने ना प्रिसाइसली कट नहीं हो पाया यार। प्रिसाइस जो कट होता है ना भाई उसमें अलग ही मजा आता है, तो एकदम फिट नहीं बैठ पा रही है, डायरेक्ट ही हमको करना पड़ेगा भाई। वैसे पकड़ने में बिल्कुल मजाक नहीं, अच्छा लग रहा था, फीलिंग आ रही है। अब थोड़ा डर वाला मोमेंट, इसके ऊपर ना डायरेक्ट चढ़ा के मैं साइड से ना कट मारने को। अगर आपको दिख पा रहा हो तो स्क्रीन और इसके बीच हल्का स्पेस होता है जिसमें आप चला सकते हो इसको, कुछ भी स्क्रैच व्रैच नहीं आएगा, बट तब भी डर तो लग ही रहा है। डर पता क्यों लग रहा है, क्योंकि मतलब ऐसा हर्ट करने वाली फीलिंग आती है फोन को। हमारा प्यार से रखा हुआ फोन है, रोज इस्तेमाल होता है, दिल का टुकड़ा समझ जाता है। अपग्रेड करने के लिए कभी कभार कुछ दर्द सहने पड़ते हैं। इसको चपटा करने के लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड और ये सारी चीजें होती है। मेरे पास एक छोटा सा एक कार्ड सा पड़ा, मैं इससे तो इससे सारे बुल बुले हट जाएंगे। और जो एजेस होते हैं ना, जैसे कैमरा का एज है के पास से आप थोड़ा सा टाइटली अगर आप करो और ज्यादा बढ़िया से हो जाएगा होपफुली, ऐसा मेरे को लगता है। मैंने एक चीज रियलाइज करी, इसका जो फोन का एज है ना हल्का सा कर्व्स है, तो इसको थोड़ा सा गर्म करके चपटा करना पड़ेगा। तब तक मैं इसका कैमरे का हल्का सा हम काट सकते हैं। ये वाला जो पेपर है उसमें सीन गया कि अगर आप हाफ वे भी काटते हो ना, जैसे मैं हल्का सा काटता हूँ ऊपर से, तो नीचे वाला पार्ट नहीं कटता है, खाली ऊपर वाला कटता है। तो आप हल्के हाथ से करो तो और बढ़िया होगा, बट मेरे हाथ हल्के कोई नहीं पाते। ओ यार मैंने थोड़ा सा बताता हूँ, चलो ये मैंने फिर दूसरा एक और खींच लिया है, थोड़ा सा ना पहले से छेद बना देता हूँ। ये पेंसिल होती है ना, इसको ऐसे आप कोने पे एजेस पे अगर आप कर दो ना तो एक बढ़िया सी लाइन बन जाती है, इसको मिटा लेना बाद में। इस फोन के अगर आप एजेस देखोगे ना तो थोड़े राउंड हैं, तो अगर इसको आपको लगाना है ना तो हल्का सा ना इसको बेंड होना पड़ता है और बेंड में ना ऐसे फोल्ड से आ जाता है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे फिर खींच खींच के चिपका देंगे। अब जैसे कि देख सकते हो कर्व्स पे ना अच्छे से बेंड हो रखा है, अब इसको कट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसमें वो सेपरेशन होती है ना स्क्रीन और इसके बीच की, ये या तो आप पेंसिल से या कोई कार्ड आपके पास पड़ा, या फिर अगर आपको अपने नाखून से भी ऐसे मार्क लगाना तो उससे भी हो जाता है, पर मेरे नाखून है। तो जैसे इस वाले का आप देख सकते हो ना एकदम प्रिसाइज कट हुआ है और बिल्कुल एकदम एज से सट के कट हुआ है, क्योंकि मैंने उसमें हल्का सा ना ऐसे अटका लिया था और सीधा सीधा खींच दिया, तो इससे बिल्कुल स्क्रैचेस भी नहीं आए होंगे। बस कैमरा का फिनिशिंग टच थोड़े से कर दें। आईफोन का नक्शा बदल दिया गया और पकड़ने में भी ना इसमें ना हल्का सा एक ना
एक टेक्सचर सा है जो काफी अच्छा सा फील कर रहा है, अलग अलग टेक्सचर जब ट्राई करने के बाद तो अच्छा सा लगता है फोन के ऊपर। अब हमने सोचा थोड़े पेचीदा फोन को भी प्यार दिखाया जाए। ये गैलेक्सी जेड फ्लिप है और इस पे ना मेरा बहुत ही मन है एक ये वुडन वाला चढ़ाऊं या फिर इसको हम गोल्डन एडिशन में बदल दें। गोल्डन एडिशन करते हैं। इसमें आपको दो पीसेस में कट करना पड़ेगा क्योंकि एक यहाँ पे डलेगा फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे। इस बार मैं थोड़ा स्मार्ट हो गया, नाखून थे नहीं तो मेरे सिम इजेक्टर एक टूल पड़ा था तो उससे मैंने से हल्का सा मार्किंग कर ली, उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। एक बार मार्किंग कर लो ना फिर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बैक साइड पर दिखने में काफ़ी मस्त लग रही है, एक मैट फिनिश सी आ गई है। इसमें टेक्सचर ज़्यादा नहीं है बट ये रिफ्लेक्ट थोड़ा कम कर रहा है, बट काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, अभी से काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। बट इसको ना मैं पूरा कवर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ की साइड पे ऐसा आपको दिख रहा हूँ ना कि स्क्रीन के नीचे बस हम कवर कर दें, कन्वीनियंस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। भाई सही बताओ मेरे को लग रहा था काफ़ी मज़ेदार सा लगेगा बट ये इसमें मज़ा नहीं है। ग्रीन गार्ड उतारते टाइम हम बड़ा खुश हुआ करते बट इनको उतारने में तब दर्द दर्द आप भी महसूस करिएगा। इतनी मेहनत से चढ़ाया लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब नई वाली चढ़ाएंगे, एक को वुडन फिनिश में करेंगे और एक को कार्बन फाइबर वाले में। कार्बन फाइबर वाले में तुक्का गलत नहीं लगना चाहिए। हर बार मैं खाली ना बैक पैनल पे कर रहा था, इस बार इसको पूरा मोड़ के ना फ्रंट पे एकदम स्क्रीन तक ले आता है, फिर देखते हैं। थोड़ा मुश्किल है बट मजाक की बात नहीं है भाई, मस्त कटा हुआ है। इसको भी करते हैं बट This is the final product. दिखने में जैसा आप देख सकते हो काफी अच्छी फिनिशिंग आई है, हल्का सा एक दो एज पे मेरा थोड़ा चिप हो गया है बट बाकी आप पूरा देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है और एक टेक्सचर्ड वुडन फील है और दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, यूज करने में भी एक काफी कंफर्टेबल सी फील दे रहा है। और इस ये फ्लिप वाला बताना है, इस पर भी मैंने बैक साइड और फ्रंट साइड में इसमें बुलबुले निकालने थोड़े रहते हैं। ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग था, काफी टाइम बाद मैंने सोचा एक DIY करके कैसे अलग सी वीडियो बनाते हैं। होपफुली आप लोगों को मजा आया हो, अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वाली वीडियो के लिए इतना, आपसे नेक्स्ट वीडियो होता है।